ये लानत है हमारे ऊपर एज एन ऑडियंस की सबसे बड़ी और सबसे घटिया बात जो पिक्चर की ये है, मैं लास्ट में कुछ एक बंदा दूरबीन से देख रहा होता है, ही लुक्स लाइक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर बी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा दिन ऐसा था कि यार, मतलब तुम समझ जाओ कि सलमान खान की पिक्चरों देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स एन इवेंट फिल्म फॉर मी, इवेंट फिल्म से ऊपर कुछ भी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सिनेमा में जाके थिएटर एक्सपीरियंस अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं उसी चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि किसी का भाई किसी की जान, जिसको मैं जितनी बार भी मैंने मेंशन किया है बजरंगी भाईजान के नाम से मैं रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि टाइटल बहुत कंफ्यूजिंग है। प्लस इसके जो डायरेक्टर साहब है वो है फराज साहब जी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पिक्चर सलमान खान ने ही डायरेक्ट करी है। कैसी आपको लगेगी और थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। किसी का भाई किसी की जान जो पिक्चर है वो सलमान खान की पिक्चर है। सलमान खान, आउट एंड आउट सलमान खान फिल्म, कोई इसमें डाउट नहीं है। सिर्फ इसके अंदर आपको सलमान खान मिलेगा, जितने भी एक्टर्स हैं वो साइड एक्टर्स हैं। साथ में वेंकटेश डगुबटी है जो कि सेकेंड हाफ में आते हैं, वो भी लीड में काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आएंगे आपको। और इसके अंदर विलन तो है ही, और अपनी जो हीरोइन है वो पूजा हेगड़े है, और पूजा हेगड़े के साथ अपने बहुत सारे साइड एक्टर, राघव है, सिद्धांत है, वो सिंगर है, भूल गया हूँ, पंजाबी सिंगर है, नाम भूल गया, नाज गिल है इसमें, श्वेता तिवारी की बेटी है पलक तिवारी, भूमिका चावला भी है इसके अंदर, मतलब जितने आप एक्टर्स इसके अंदर, भाग्यश्री जी हैं। तो वही यहां से हम अच्छी बातों की शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज पूरी तरह से बुरी नहीं होती, कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, तो डायरेक्टली आके हेटरेट देना किसी भी चीज को तो बहुत गलत होगा। क्योंकि मुझे पता है कि पिक्चर खराब है, आपको भी पता है ये पिक्चर खराब है, थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग्स ढूंढ लेना पिक्चर में। सिल्वर लाइनिंग्स देखो, सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग इसकी ये है कि सलमान खान इज ट्राइंग, ही इज एन एक्शन स्टार, तो एक्शन 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 पूरी पिक्चर में, बहुत सारा एक्शन है, बहुत सही कोरियोग्राफ्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन लास्ट वाला जो सीन है वो भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड है, बहुत ज्यादा कॉमेडी करने की कोशिश करी जाती है, बट सलमान खान के जो एक्सप्रेशन है ना वो ऑन पॉइंट नहीं है, सीधी बात है। देर इज लिटिल टू नो मूवमेंट ऑन हिज फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, ही इज वेरी स्टिफ व्हाइल ही इज एक्टिंग। दिस इज अ गुड थिंग दैट ही इज डूइंग ऑल दैट एफर्ट, और उसमें उन्होंने एब्स भी बना लिया, तो एब्स वाली पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को साइड में ही कर देते हैं, क्योंकि पूरा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उन्होंने फोटो डाल रखी है, एब्स वगैरह हैं, मूवी सीन में भी हो सकती हैं एब्स हो, इस एज में वैसी बॉडी होना बहुत बड़ी बात है, लेट्स जस्ट कमेंट हिम फॉर दैट बॉडी। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है एब्स वाली, तो वो तो दिखाना ही है, शर्ट वाला सीन तो आएगा ही आएगा, और वो शर्ट उतारने वाला सीन बहुत अच्छे पिविटल मोमेंट पे आता है। जय हो में भी यही है, रेडी में भी यही है, दबंग में भी यही है, दबंग 2 में भी यही है, दबंग 3 में भी यही है, जितनी भी राधे में भी यही है, जितनी भी आप सलमान की पिक्चर देखोगे उसमें एंड में एक्शन फिल्म एक ऐसा सीन होगा जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को दिखाया हुआ है, लगता तो है असली है। बाकी फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि सीजी का वो जो मतलब उन्होंने कट जो लगाया हुआ था ना, तो वो कट सीजी था, तो वो भी मूव करने लग गया था बीच में, और उसका लोकेशन वगैरह चेंज हो गया था, मतलब बहुत क्लेवरली शॉट है, प्रॉब्ली नकली है प्रॉब्ली असली, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, इट लुक्ड गुड ऑन स्क्रीन। तीसरी अच्छी चीज इस पिक्चर के बारे में ये है कि इसके अंदर भाग्यश्री है, भाग्यश्री और सलमान खान का मैंने प्यार किया का आई लव यू वाला नॉस्टैल्जिया इसके अंदर आपको दिया जाता है, बट वो गड़बड़ कहां हो जाता है ना, नॉस्टैल्जिया से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल और वो सब हो गया, बड़ा मजा आया मुझे, बट उसमें गड़बड़ क्या होगी, वो बहुत लंबा स्ट्रेच कर दिया है। अभी इसके अंदर वो भी आया अभिमन्यु शिवदसानी, जो कि मर्द को दर्द नहीं होता, वेरी नाइस पिक्चर, यू शुड वॉच इट, उसमें भी है। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है चैरिटी के लिए बना रखी है पिक्चर, इट्स वेरी वियर्ड, बट भाग्यश्री और सलमान खान को सेम स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा क्लिक किया हमारा नॉस्टैल्जिया, दैट वाज रियली नाइस। मतलब चौथी अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि इस पिक्चर में एक सीन आता है जिस सीन को देख के आपको लगता है कि ओ शिट दिस इज वेरी बैड, दिस इज द लाइक बहुत गंदा मोमेंट ऑफ द फिल्म, एंड यू गेट ऑल इमोशनल एंड एवरीथिंग, एंड द डायरेक्टर ट्रिक्स यू इनटू बिलीविंग समथिंग, एंड देन एकदम से चेंज हो जाता है। बड़ा क्लेवर मूव था वो, ठीक है, आई वाज सोल्ड, मैं धोखा खा गया उस चीज में, आप भी शायद धोखा खा जाओगे। एंडिंग की तरफ सीन आता है और वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही पिविटल मोमेंट है फिल्म का, जब वो सीन आता है तो आपको लगता है कि यार शिट ये तो नहीं होना था, एंड यू गेट ऑल इमोशनल, बट देन डायरेक्टर प्लेज हिज मूव, चेकमेट हो जाओगे आप। बाकी मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन थी इसके अंदर कि कोई बड़े स्टार का कैमियो होगा। लास्ट में जो ये बहुत ही गंदा गाना जो है नर्सरी राइम जो इन्होंने बनाया है, हम ट्री सैड ऑन अ वॉल वाला, हनी सिंह वाला, वो जो गाना है, मैं लास्ट में कुछ एक बंदा दूरबीन से देख रहा होता है, ही लुक्स लाइक जूनियर एनटीआर, बट आई डोंट नो। बाकी और रिव्यूअर्स का वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता चला कि एंड में कौन इंसान था वो। सलमान खान बहुत डिसेंट लगते हैं, बिना बियर्ड के बहुत डिसेंट लगते हैं, लंबे बालों के साथ ही डजंट लुक गुड, यहां से बुराई स्टार्ट करते हैं। लंबे बाल वाला सलमान खान
नॉट अ फैन। बालों का हेयर स्टाइल चेंज हो जा रहा है। सीन जिसके अंदर बियर्ड है, लोगों की बियर्ड के साथ लोग एक्टिंग कर रहे हैं आधी पिक्चर में, और जो रीशूट किए सीन्स उनके अंदर जो बियर्ड वाले सीन्स हैं उसके अंदर राघव जुयाल की मैं बात करना चाहूंगा, राघव की बियर्ड नकली लगा दी यार, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो रीशूट किया है, मेरे को समझ आ रहा है कि आपने रीशूट किया, बियर्ड को थोड़ा सा इट लुक्ड वेरी वियर्ड। इसके बाद इसके अंदर अपने विजेंद्र द बॉक्सर है, विजेंद्र को नहीं एक्टिंग आती, सीधी बात है कि जो बात करने का ढंग है वो भी बहुत ही अजीब सा है, तो आई डिडंट लाइक इट दैट मच। प्लस इसके अंदर जैसे जो लोग दिखा रखे हैं, जैसे एक विलन आया विलन को भूल गए, अब वो विलन को स्टोरी में कहीं पे भी दिखाएंगे, अब हीरो की स्टोरी चल रही है, फिर एकदम से विलन आ जाता है और फिर उसके बाद कुछ कुछ करता है, फिर चला जाता है, फिर आप भूल जाते हो, तो आपको विलन का जो इम्पैक्ट है वो फील नहीं हो रहा थ्रू आउट द स्टोरी। आया गया, जब वो सीन में है तब फील हो रहा है, जब नहीं है तो नहीं फील हो रहा। ऐसी सेम जब हीरो फिल्म सीन में है वो वहां फील हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा, ये भी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी और सबसे घटिया बात जो पिक्चर की ये है कि इसके अंदर जो भी हो रहा है उसको मुंह से बताया जा रहा है। लड़का अगर गिर रहा है तो गिरते हुए, अरे लड़का गिर गया, वो हमारे सामने गिर गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इट्स जस्ट वेरी वियर्ड कि कोई मतलब ऐसे पूजा हेगड़े का ड्रिंकिंग वाला सीन है, वो दारू पी लेते हैं, अरे ये तो एक ही पैग में टन हो गई, मतलब इतने गंदे तरीके से रिटन डायलॉग्स हैं, यू विल फील बैड क्योंकि कुछ ऐसा एक्सेप्ट भी कैसे कर रहे हो एज एन ऑडियंस। ये लानत है हमारे ऊपर एज एन ऑडियंस कि आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया फैमिली मास एंटरटेनर के नाम पे, आपको इतना बिलो एवरेज कंटेंट दिया जा रहा है कि आप जब सुनोगे ना डायलॉग्स को तो आपको समझ आएगा, लाइक इट्स कंसिस्टेंट नहीं है डायलॉग्स। शुरू वाला पोर्शन इज सो बैड का जितनी बार भी गाना आएगा आप उतनी बार लू ब्रेक ले सकते हो, उतनी बार बाहर जाके कुछ कुछ करके वापस आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पे। इंटरवल से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवोटल मोमेंट आना चाहिए फिल्म का, मैंने सोचा था कि आएगा, मैं एक गाने में बाहर चला गया, फिर मैं वापस भी आया मैं देखने के लिए कि कुछ तो बता दे, कुछ तो कुछ भी नहीं। एंड देन देयर आर एक्शन सीक्वेंसेस, जो एक्शन की जो मैं तारीफ कर रहा हूं, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, बट देन एक्शन होते टाइम आपको ये भी तो फील होना चाहिए कि क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, क्यों हो रहा है। वेंकटेश रघुपति की मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि लास्ट में एंडिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करी है, सलमान खान इज नॉट पुटिंग एन एफर्ट, वो दिख रहा है उनके चेहरे पे, जितने भी रोने वाले सीन्स हैं रोते रोते ही इज लुकिंग सो वियर्ड, और पूरे फेशियल क्लोजअप्स हैं, दे आर नॉट शोइंग बाहर का एनवायरनमेंट वगैरह, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, पूरा सेट पे फर्स्ट हाफ निकाल दिया, दूसरा हाफ भी सेट पे ही निकाल दिया, दे डिडंट गो आउट। एंड इतने सारे प्लग्स हैं इसमें, पेप्सी का प्लग, सीपी प्लस का प्लग, इसके अंदर बींग स्ट्रॉन्ग, बींग ह्यूमन, इतने सारी एडवर्टाइजमेंट है, यू विल फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि आप बैठ के एड देख रहे हो, इतने सारे सीन्स हैं, इतने लंबे लंबे सीन्स हैं, कुछ आप जब बैठोगे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो बात करे ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, कैमरा ऐसे पैन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे फिर से पैन करने लग गया, इधर से पैन किया, उधर से पैन किया, अरे भाई तू रुक जाना, तू थोड़ा सा स्टेबल कर ले कैमरा को, कैमरा के साथ कुछ और कर ले, नहीं भाई साहब, इट इज जीरो एफर्ट। वो मोटिवेशन की भाई हम मोटिवेट करने के लिए पिक्चर बना रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इमोशन डालने के लिए बना रहे हैं, तीनों भाई अनाथ थे, उनको भाईजान ने अडॉप्ट कर लिया, और इतना गंदा डायलॉग है, वो वंदे मातरम वाला डायलॉग जो है बिल्कुल राइम भी नहीं कर रहा और सिंक में भी नहीं है, अच्छे के साथ होगा अच्छा, बुरे के साथ होगा बुरा, आई डोंट नो why दैट डायलॉग इज देयर, पावर नहीं, विल पावर, अरे भाई तेरे सामने तो उसने डायलॉग ही नहीं बोला था वो पावर वाला, और सलमान खान को पता नहीं कैसे पता है वो चीज। लास्ट में मैं काफी ज्यादा इमोशनल हुआ, ट्रस्ट मी, मतलब मैं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है इस तरह का एक्शन जो मोटिवेशन ड्रिवन हो, कि आपको किसी की जान बचानी है, किसी की जान खतरे में है, एंड एक्टर कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, पूरी पिक्चर में अगर ये होता तो मजे आते, क्लाइमैक्स में वो हुआ, मजा मिला, अच्छा लगा, बट इट्स सो अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, फैली हुई पिक्चर, दो सेट्स पे बनाई हुई पिक्चर, जबरदस्ती चीजें करने वाली पिक्चर, कि सलमान खान जस्ट वांट्स टू स्टे रेलेवेंट एंड ही वांट्स टू चैलेंज हिज ऑडियंस कि भाई आप तुम आगे दिखाओ थिएटर में, मतलब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है, कि आफ्टर बैक टू बैक फ्लॉप्स इफ आई मेक अनदर बैड फिल्म विल यू बी देयर इन द थिएटर और नॉट, आई एम रियली सॉरी बिकॉज इट्स सो बैड दैट यू शुड स्टॉप एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छी चीजें हर एक मूवी में होती है, इसके अंदर एक सीन तो है ही अच्छा, पर एक सीन के लिए हम देखने तो नहीं जाएंगे ना थिएटर में, अपने आप को बचाओ इस पिक्चर से, मेरा फर्ज था आपको बताना, थोड़ी सी भी अच्छी होती ना तो मैं बोल देता देखने के लिए, बहुत ज्यादा क्रिंज फेस्ट है पूरा का पूरा, ऐसा लगेगा कि भाई क्यों बैठा हूं मैं यहाँ पे, ये बिलो एवरेज डायलॉग्स, बिलो एवरेज कंटेंट देखने के लिए। सलमान खान का से टाइगर कैरेक्टर बेस्ट है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई और कैरेक्टर अब याद रहेगा हमें, सब खुद ही स्पॉइल कर दिए, चुलबुल पांडे सलमान ने सीक्वल्स बना के स्पॉइल कर दिया, राधे सीक्वल बना के स्पॉइल कर दिया, और गाने पिक्चर के इतने ज्यादा खराब है ना, इतने ज्यादा खराब है, गाना यंटम्मा यंटम्मा वो अच्छा है, बाकी सब गानों में बाहर चले जाना थिएटर के फिर अंदर आ जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधी पिक्चर में बाहर आके आधी पिक्चर में अंदर आ जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक्स ले लो कितने ब्रेक्स ले लो कोई
मतलब नहीं है, बट फैमिलीज वर देयर इन द फिल्म, बहुत सारे लोग देखने के लिए गए थे। फैमिली एंटरटेनर तो है ही, खैर कोई भी पिक्चर है वो तो फिर, अगर ये पिक्चर है तो मैं फैमिली एंटरटेनर। बात करते हैं इस वीडियो खत्म, ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो परिवार वालों का, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पीस। सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज पिक्चर के बारे में ये है कि यार इसके अंदर पूजा हेगड़े और सलमान खान की लव स्टोरी दिखा रखी है, इट मेक्स यू सो अनकंफर्टेबल। आप देखते देखते ऐसे क्रिंजी सा फील होता है, बड़ा अजीब सा अंदर से घिन सी आती है कि यार शिट दिस इज वेरी वियर्ड एंड वाई आर दे शोइंग इट द वे दे आर शोइंग इट। सलमान खान पूरी ड्यूरेशन में पूरे ऐसे स्टिफ से रहते हैं और पूजा हेगड़े इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव पर्सन एवर, एंड ऐसा लगता है बाप बेटी की जोड़ी है। आई एम सो सॉरी, इट्स जस्ट सो वियर्ड टू वॉच इट। और वो पूरा फर्स्ट हाफ तक रहती है। ऑल्सो जो घंटाघर गिरता है, घंटाघर जो है सलमान खान के पंच से नहीं गिरता है, बहुत सारे रिव्यूअर्स ने बोला था कि घंटाघर सलमान खान के पंच से गिरता है, तो ऐसा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं। और तीसरी बात, मेरे शॉर्ट्स में मिलेगी आपको, उसको देख लेना। किसी का भाई किसी की जान के शॉर्ट्स का भी जरा इंतजार करो, दो तीन वीडियोस बनाई है मैंने।